नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल बजाज द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोगों के बीच पहुंचे हैं सच जानने के लिए। मीडिया में बहुत कुछ दिखाया गया डेरा के बारे में, बाबा जी के बारे में, कितनी सच्चाई थी उनकी बातों में, उसी सच को जानने के लिए डायरेक्ट लोगों के बीच। सर आपका नाम? संतराम इंसा। आप डेरा सच्चा सौदा से कितने समय से जुड़े हैं? 97 से 1900। आप इतने लंबे समय से जुड़े हैं डेरा के साथ, कभी आपने डेरा में गलत होते कुछ देखा? नहीं जी। मीडिया में बहुत कुछ दिखाया गया डेरा के बारे में, गुरुजी के बारे में, कितनी सच्चाई थी उनकी बातों में, आप क्या कहना चाहेंगे? वे तो जो मीडिया ने दिखा वो बिल्कुल सारा सारी गलत था, 100% गलत था। और जो मीडिया बाबा राम रहीम के बारे में जो संगत बोलती है, वो मीडिया वालों ने नहीं दिखा किसी भी, कभी भी उस पर कोई भी न्यूज नहीं दिया आज तक। जो सही बोलते हैं उनके आगे से माइक हटा लेते हैं ये मीडिया वाले, और जो बुरे लफ्ज बोलते हैं उनके लिए मुँह के आगे हटा सोच रखते हैं जी ये मीडिया वाले। ऐसा मीडिया ना क्या हमारे गुरु जी के साथ। आपका बाबा राम रहीम जी के प्रति कितना विश्वास है? पूरा विश्वास है 100%। गुरु जी सत्संग में किस तरह की शिक्षा देते थे? प्रेरणा देते हैं अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म को छोड़ दो, सबका भला करो, किसी का बुरा ना चाहो, और हक हलाल की करके खाओ, यही इसमें सबसे बड़ा हुआ है। और सबसे पहली बात यह है जो संगत को सिखाते हैं सत्संग में आकर, ये सिखाते हैं कि मरीजों की जो लाचार है उनकी मदद करो, भूखा है उनका लाचार खाना दो, और जो नंगहीन है वस्त्र नहीं है उनका कपड़ा भी दो सर्दी के लिए। ऐसे बाबा हमारे रामदेव जी कहते हैं, हमारे गुरु जी है वे सतगुरु जी है, और हमारे भगवान भी वही है। गुरु जी से जुड़ने के बाद आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया है? ज़िंदगी में तो बदलाव इतना है, हमारे पास साइकिल का बहुत नहीं था, आज हमारे घर में चार चार मोटरसाइकिल गाड़ियाँ भी हैं। जो साइकिल में नहीं चल सकते थे आज वे हवाई जहाज पर बात करते हैं। ये गुरु जी की प्रेरणा है जी सब हमें। आज गुरु जी समाज में नहीं है, उनके सत्संग नहीं हो रहे समाज पर, इसका समाज पर क्या असर पड़ रहा है? समाज पर असर तो जी बहुत बुरा पड़ा हुआ है, तो संसार बावला है। जिन्हें गुरु जी की आज तक किसी कोई प्रेरणा नहीं ली, उन्हें क्या ज्ञान है? उन्हें तो इस बारे में कोई ज्ञान ही नहीं है, ये तो गलत ही बोल लेंगे, जैसे भी जैसे मीडिया बताएगा वैसे ही बोल लेंगे। लेकिन जिन्होंने गुरु जी का वचन सुन लिए, सत्संग में आ गए, उनके वचन ही निराले हैं उनकी। जो आप अकेले आते हैं डेरा में, आपका परिवार भी जुड़ा हुआ है? मेरा पूरा परिवार आता है जी। आपका पूरा परिवार डेरा में आता है, आपकी बहन बेटियां डेरा में आते हैं। डेरा सच्चा सौदा में बहन बेटियां कितनी सुरक्षित हैं? बहन बेटियां इतनी सुरक्षित है, कम से कम जो मर्दों से जो है 10 मीटर बगल रहती है, और इनका लैट्रिन बाथरूम नहाना धोना सब बगल है, उसमें कोई जेंट्स पास नहीं कर सकता। क्या आप आने वाले समय में भी डेरा सच्चा सौदा के साथ रहेंगे? इतना प्राण है इस पे, जब तक पूरे परिवार के इसी के साथ जुड़े रहेंगे जी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपने अपने विचार साझा करने के।